Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very good morning. I hope you all are fine. This lecture is prepared by Sarhad Education System. Today I am going to give you a lecture of grade 5 on social studies. This is the book of social studies of grade 5. Now I am going to open the book. We have covered the previous topics. Now today we are going to cover the topic which is playing. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि प्लेन्स हमारे पास क्या होता है. अ लार्ज एरिया और लेवल और नियर बाई लेवल एंड क्लोज टू सी लेवल इज कॉल्ड प्लेन. कहते हैं एक बड़ा इलाका या एक बड़ा एरिया जो कि या लेवल में होता है, ठीक है, या नियरली लेवल होता है, यानी वो थोड़े थोड़ा ऊपर होता है, थोड़ा नीचे होता है, ठीक है. लेवल लैंड क्लोज टू सी लेवल, दरिया के लेवल के करीब वाला जो एरिया होता है, यानी दरिया के लेवल के बराबर उसका लेवल होता है या थोड़ा सा ऊपर होता है, थोड़ा सा नीचे होता है, इस एरिया को जो है हम प्लेन्स कहते हैं. प्लेन्स एट और एट अ हाइट आर कॉल्ड प्लेट्यू या टेबल लैंड. कहते हैं वो प्लेन्स जो हाइट में होते हैं, थोड़े से ऊंचे होते हैं, उनको हम प्लेट्यू या टेबल लैंड कहते हैं. रिवर फ्लो डाउन द माउंटेन टूवर्ड्स द लो लाइंग लैंड लाइक द वैली एंड प्लेन. क्या कहते हैं कि दरिया जो है, रिवर फ्लोज डाउन द माउंटेन, दरिया जो है वो पहाड़ों से नीचे गिरते हैं, टूवर्ड्स द लो लाइंग लैंड, जो जमीन नीचे होती है वहाँ से रिवर जो है वो दरिया के नीचे गिरते हैं. एंड लाइक द वैली एंड प्लेन, जिसको हम वैली कहते हैं, नदी कहते हैं या प्लेन कहते हैं. The great Indus River flows through Tibet and a part of India before entering Pakistan through Gilgit. क्या कहते हैं कि बड़ा इंडस रिवर जो है वो तिब्बत में फ्लो करता है एंड अ पार्ट ऑफ इंडिया, और इंडिया के कुछ एरियाज में फ्लो करता है बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान थ्रू गिलगित. पाकिस्तान पहुंचने, गिलगित के रास्ते से पाकिस्तान पहुंचने से पहले वो इंडिया के कुछ एरियाज में फ्लो करता है और तिब्बत के कुछ एरियाज में फ्लो करता है. एट दिस पॉइंट इट इज नैरो बट वेरी फास्ट. जब इस पॉइंट पे ये होता है तो ये नैरो होता है. नैरो का मतलब है थोड़ा सा पतला होता है लेकिन बहुत तेज होता है. बट वेन इट एंटर द प्लेन्स ऑफ पंजाब एंड सिंध इट स्लो डाउन. लेकिन जब वो पंजाब या सिंध के इलाकों में दाखिल होता है तो उसकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है. हेयर एवरी ईयर इट डिपॉजिट मिलियन ऑफ टन्स ऑफ स्लिट. स्लिट हम कहते हैं मट्टी को, ठीक है, रेत या मट्टी को हम स्लिट कहते हैं. तो क्या कहते हैं कि जो इंडस रिवर हमारे पास आता है, ठीक है, तो वो हमारे इन एरियाज में मिलियन ऑफ टन्स, बहुत सारे टन्स के जो है वो मट्टी छोड़ के जाता है. दीज प्लेन्स आर ऑल्सो नोन एज इंडस प्लेन्स. इन प्लेन्स को हम इंडस प्लेन्स भी कहते हैं, ठीक है. फिर क्या है, द प्लेन इंडस प्लेन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फर्टाइल प्लेन ऑफ वर्ल्ड मेड बाय इंडस रिवर. क्या कहते हैं, इंडस प्लेन जो है वो दुनिया की बहुत ज़रूरी और बहुत फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब ये जरखेज, यानी जहाँ पे चीज़ें जो है उगाई जा सकती हैं. तो क्या कहते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत जरखेज ज़मीन बना के जाता है इंडस रिवर, ठीक है. द इंडस प्लेन इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट. इंडस प्लेन्स को हम फर्दर जो है वो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. नंबर वन है द अपर इंडस प्लेन और नंबर टू है द लोअर इंडस प्लेन, ठीक है. अपर इंडस प्लेन क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस, द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, आई रिवर जहलम, चिनाब, रावी एंड सतलज फ्लो इन इट. क्या कहते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस, इसमें पंजाब प्रोविंस जो है के हमारे पास जो अपर इंडस प्लेन है इसमें पंजाब प्रोविंस आता है, द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, रिवर इंडस और इसके जो मावन दरिया है, ट्रिब्यूटरीज का मतलब मावन दरिया, जैसे कि दरियाए जहलम, चिनाब, रावी एंड सतलज फ्लो इन इट. ये सब जो है दरियाए जहलम, दरियाए चिनाब, रावी और सतलज, ये अपर इंडस प्लेन में आते हैं. द लोअर इंडस प्लेन, लोअर इंडस प्लेन क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ सिंध प्रोविंस स्टार्टिंग फ्रॉम मितनकॉट एंड टू द अरेबियन सी इन द साउथ. क्या कहते हैं कि लोअर इंडस प्लेन जो है वो सिंध प्रोविंस से स्टार्ट होता है, ठीक है. अपर इंडस प्लेन पंजाब प्रोविंस में है और सिंध और लोअर इंडस प्लेन जो है ये सिंध प्रोविंस से में होता है एंड स्टार्ट फ्रॉम मितनकॉट, मितनकॉट से स्टार्ट होता है और अरेबियन सी तक जाता है जो कि साउथ में है. फिर आपके पास आ जाता है कोस्टल एरियाज. व्हाट आर कोस्टल एरियाज, कोस्टल कहते हैं साहिली, ठीक है, कोस्टल कहते हैं साहिली.
तो कोस्टल एरिया साहिली इलाके, ठीक है। साहिल क्या होता है, जो दरिया का किनारा होता है उसको हम साहिल साहिल कहते हैं। प्लेसेस नियर द सी कोस्ट आर कॉल्ड कोस्टल एरियाज, वो जगह, ठीक है, जो सी कोस्ट दरिया के किनारे के करीब होती हैं उसको हम कोस्टल एरियाज, उनको हम साहिली इलाके कहते हैं। द वेव्स ऑफ द सी चेंजेस द फीचर्स ऑफ द कोस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर। देखिए, वेव्स ऑफ द सी चेंजेस द फीचर्स ऑफ द कोस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर, कहते हैं जो दरियाओं की लहरें होती हैं, ठीक है, वो कोस्टल एरियाज को चेंज करती हैं, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर, सालों में जो है वो उसके शेप को चेंज करती हैं। समटाइम्स दे बिल्ड न्यू लैंड एंड समटाइम्स दे वेयर अवे एरिया फ्रॉम थ्रू इरोजन। क्या कहते हैं, कभी कभार जो है वो एक नई ज़मीन बना देती हैं, ठीक है, और कभी कभार जो है वो इरोजन बना कर देती हैं, जिसकी वजह से वो लैंड जो है किसी भी काम के लायक नहीं रहती। द कोस्टल एरियाज ऑफ पाकिस्तान इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, कहते हैं कि कोस्टल एरिया, पाकिस्तान के जो कोस्टल एरियाज हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। नंबर एक है द सिंध कोस्ट, कराची एंड पोर्ट कासिम, और नंबर टू है द बलूचिस्तान कोस्ट, गवादर पोर्ट, ठीक है। पोर्ट वो जगह होती है, ठीक है, ये जाने पोर्ट क्या होता है, पोर्ट वो जगह होती है जहाँ पे ट्रेड होती है, ठीक है, जहाँ पे शिप्स के जरिए जो है वो ट्रेड की जाती है, एक जगह से दूसरी जगह माल भेजा जा सकता है, ठीक है, उसको पोर्ट कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि हमारे कोस्टल एरियाज़ में एक है द सिंध कोस्ट और एक है द बलूचिस्तान कोस्ट। सिंध कोस्ट में कराची एंड पोर्ट कासिम आता है, ठीक है, और और बलूचिस्तान कोस्ट में जो है वो गवादर पोर्ट आता है। इसी के बाद हम आ जाते हैं अगले पेज की तरफ। अगले पेज में हमारे पास है डेजर्ट, ठीक है। अब हम डेजर्ट की तरफ आ जाते हैं। डेजर्ट किसको कहते हैं, डेजर्ट सहरा को कहते हैं। अ डेजर्ट इज अ लार्ज ड्राई बैरन रीजन यूजुअली हैविंग सैंडी और रॉकी सॉइल एंड लिटिल और नो वेजिटेशन। क्या कहते हैं, अ डेजर्ट इज अ लार्ज ड्राई बैरन रीजन। डेजर्ट जो होता है, सहरा जो होता है, वो एक बहुत बड़ा सूखा हुआ और ऐसी जगह होती है जहाँ पे कोई कल्टीवेशन हम नहीं कर सकते, बंजर इलाका होता है। बैरन का मतलब है बंजर, बंजर इलाका होता है। यूजुअली हैविंग सैंडी और रॉकी सॉइल, यूजुअली उसका जो सॉइल होता है उसकी जो मट्टी होती है, या वो सैंडी होती है, सैंडी का मतलब रेतीली होती है, रेत होती है उसमें सारी, या रॉक्स होते हैं उनमें पत्थर होते हैं, ठीक है, एंड लिटिल और नो वेजिटेशन, या वहाँ पे थोड़ी सी वेजिटेशन हो सकती है, थोड़े से हम जो है सब्जियाँ लगा सकते हैं या बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। वाटर लॉस टू एवोपोरेशन एंड ट्रांसपरेशन इन अ डेजर्ट एक्सीड द अमाउंट ऑफ रेन। वाटर लॉस ऑफ लॉस टू एवोपोरेशन, एवोपोरेशन कहते हैं जब सूरज पड़ता है ज़मीन पर तो जो भाप बन के, वो ज़मीन से जितना भी पानी होता है वो भाप बन के उड़ जाता है, उसको हम एवोपोरेशन कहते हैं। और ट्रांसपरेशन भी जो है अखराज बुखारात, बुखारात यानी अखराज करके जो चले जाते हैं। तो क्या कहते हैं कि ये डेजर्ट में जो है पानी की मिकदार को कम कर देते हैं, ठीक है। Most desert average rainfall is less than 25 centimeter, 9.7 inches. क्या कहते हैं, बहुत सारे डेजर्ट में जो है वो रेनफॉल बहुत ही कम होती है, 25 सेंटीमीटर तक रेनफॉल जो है वो डेजर्ट में होती है। द फॉलोइंग आर द मेन डेजर्ट एरिया फाउंड इन ओवर पंजाब एंड सिंध प्रोविंस। ये जो नीचे नाम आपको गिवन है, ये वो डेजर्ट एरियाज हैं जो पंजाब और सिंध में पाए जाते हैं, जैसे क्या है, थल डेजर्ट, चोलिस्तान डेजर्ट, नारा एंड थरपारकर डेजर्ट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि थल डेजर्ट हमारे पास क्या होता है। दिस इंक्लूड द एरिया ऑफ मियावाली, सरगोदा, मुजफ्फरगढ़ एंड डेरा इस्माइल खान डिस्ट्रिक्ट इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब। थल डेजर्ट जो है वो मियावाली, सरगोदा, मुजफ्फरगढ़ और डेरा इस्माइल खान में होता है, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब का हिस्सा है। हेयर रेनफॉल इज वेरी लो एंड लार्ज नंबर ऑफ सैंड डंस आर फाउंड। क्या कहते हैं कि यहाँ पे बारिशें जो होती हैं वो बहुत कम होती हैं एंड लार्ज नंबर और बहुत ज़्यादा जो है सैंड डंस कहते हैं टीलों को, बहुत सारा रेत के टीले वहाँ पे पाए जाते हैं। ऑफन देयर आर डस्ट स्ट्रॉम, कहते हैं हमें अक्सर जो है वहाँ पे डस्ट स्ट्रॉम होते हैं, मट्टी के तूफान होते हैं। ऑल्दो अ लार्ज एरिया ऑफ दिस एरर हैज़ बीन एरीगेटेड बाई किनाल, स्टिल अ वास्ट एरिया इज बैरन। कहते हैं कि बहुत सारा एरिया इस डेजर्ट का जो है उसको कैनाल से एरीगेट किया जाता है, नदियों से एरीगेट किया जाता है, ठीक है।
इससे स्टिल अ वास्ट एरिया इज प्रेजेंट, लेकिन अभी भी उसका जो बहुत हद तक इलाका है वो अभी भी जो है वो बैरन है, यानी वहाँ पे कुछ भी नहीं उगाया जा सकता। बैरन का मतलब मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, ठीक है। और हम देखें, अब अगला है चोलिस्तान डेजर्ट। थर्ड डेजर्ट हमने पढ़ लिया, अब चोलिस्तान डेजर्ट पढ़ते हैं। द साउथ बॉर्डर एरिया ऑफ अवर भावलपुर डिवीजन इज चोलिस्तान। कहते हैं कि चोलिस्तान जो है ये भावलपुर में वाक़े है, ठीक है। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल की कमी की वजह से दीज एरिया हैव बिकम बैरन लैंड। ये एरिया जो है ये एक की वजह से जो है ये बंजर इलाके जो है वो बन गए हैं, ठीक है। द सॉइल इज फर्टाइल इनफ बट ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ वाटर कल्टिवेशन इज नॉट पॉसिबल। कहते हैं जो उसकी ज़मीन है वो बहुत जरखेज है, लेकिन पानी की स्कैर्सिटी कहते हैं कमी को, लेकिन यानी पानी की कमी की वजह से जो है, इधर लिख देती हूँ मैं कमी, पानी की कमी की वजह से जो है वो कुछ भी चीज़ वहाँ पर नहीं उगाई जा सकती। अगला आ जाता है नारा एंथर पार्कर डेजर्ट। नारा एंथर पार्कर डेजर्ट हमारे पास क्या है? द एरिया ऑफ मीरपुर खास एंड संगर डिस्ट्रिक्ट आर कॉल्ड थर पार्कर और थर डेजर्ट। कहते हैं मीरपुर खास या संगार डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है, ठीक है, उसको हम थर डेजर्ट कहते हैं। द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर रेंज वेरी फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। द हॉटेस्ट मंथ आर फ्रॉम मई टू जुलाई, वेयर टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 47 टू 51 डिग्री सेंटीग्रेड। द लोवेस्ट टेम्परेचर 27 टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड इज रिकॉर्डेड इन द मंथ ऑफ जनवरी। क्या कहते हैं कि ये वो एरियाज हैं जहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होता है, उधर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। उनका जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, और उनका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 47 से 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, जो मई या से जुलाई तक के महीनों में होता है। और सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जो आज तक वहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है वो है 27 टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो जनवरी के मंथ में जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। अगला आ जाएंगे फिजिकल रीजन ऑफ पाकिस्तान एंड लाइफ ऑफ पीपल, ठीक है। पाकिस्तान के कुछ फिजिकल रीजन्स और उनके लोगों की ज़िंदगी। इन प्लेन एरियाज द समर एंड विंटर सीजन आर एट देयर एक्सट्रीम। इन पाकिस्तान द प्लेन एरियाज इंक्लूडेड बिग सिटीज लाइक लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, हैदराबाद, तखर एंड लड़काना ETC। क्या कहते हैं कि प्लेन एरियाज में जो है वो समर और विंटर का सीजन जो होता है वो अपने एक्सट्रीम पे होता है, यानी वो अपने बहुत अच्छे अंदाज में होता है, मतलब सही तेज़ी से होता है। इन पाकिस्तान द प्लेन एरियाज, पाकिस्तान में प्लेन एरियाज में बड़े बड़े शहर आते हैं जैसे लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, हैदराबाद, तखर और लड़काना। इन दीज एरियाज आर नोन फॉर एग्रीकल्चर बिजनेस एंड इंडस्ट्री। ये एरियाज जो है ये एग्रीकल्चर के लिए, बिजनेसेस के लिए और फैक्ट्रियों के लिए जो है बहुत माने जाते हैं। पीपल ईट एंड ड्रेस अकॉर्डिंग टू सीजन। लोग जो है खाते हैं और कपड़े पहनते हैं सीजन के मुताबिक। दीज आर थिकली पॉपुलेटेड एंड डेवलप्ड एरियाज। ये एरियाज जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं, यानी उसमें बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं और ये एरियाज बहुत ज़्यादा डेवलप्ड एरियाज। सिमिलरली सिचुएशन इज हैपनिंग इन इजिप्ट अलॉन्ग द बैंक ऑफ नाइल रिवर। इसी तरह की सिचुएशन जो है वो इजिप्ट में भी है। मैनी मेजर सिटीज ऑफ इजिप्ट आर सिचुएटेड अलॉन्ग द नाइल रिवर। बहुत सी मेजर सिटीज, बड़ी बड़ी सिटीज इजिप्ट की जो है वो नाइल रिवर के साथ जो है वो बनी हुई है। वेयर एग्रीकल्चर बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज आर डेवलप्ड, जहाँ पे एग्रीकल्चर बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज बनाई गई हैं। दिस एरिया इज ऑल्सो थिकली पॉपुलेटेड। उनके जो एरियाज हैं वो भी थिकली पॉपुलेटेड हैं, ठीक है। अगला आपका आ जाता है इन माउंटेनियस एरियाज ऑफ पाकिस्तान द पीपल आर हार्ड वर्किंग एंड स्मार्ट। क्या कहते हैं कि माउंटेनियस रीजन जो है पाकिस्तान का, वहाँ पे माउंटेनियस यानी पहाड़ी इलाके, हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा मेहनती और स्मार्ट हैं। मेन प्रोफेशन इज एनिमल ब्रीडिंग बट हैव सम लिमिटेड लेवल ऑफ एग्रीकल्चर। उनका जो मेन प्रोफेशन है, उनका जो काम है, खास काम जो है वो ब्रीडिंग है, यानी जानवरों को रखना, उनको मतलब बड़ा करना, पालना, और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर भी है।
इन माउंटेनियस एरियाज ऑफ अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड लाइक भूटान, नेपाल एंड नॉर्दर्न इंडिया द मेन सोर्स ऑफ इनकम इज सेम इन पाकिस्तान. तो कहते हैं और भी एरियाज जैसे भूटान, नेपाल और नॉर्दर्न इंडिया वगैरह हैं, वहाँ पे भी माउंटेनियस एरियाज के लोगों का यही काम है जो पाकिस्तान के लोग करते हैं. Nowadays in these region due to an increase in tourism, hotel and tourism service, the chances of earning livestock are increased. कहते हैं आजकल के दौर में जो है टूरिज़म की वजह से, या होटल, टूरिज़म का मतलब है सयाह वहाँ आते हैं घूमने के लिए, ठीक है. तो क्या कहते हैं कि सयाहों की वजह से जो है उनका ये काम और भी ज़्यादा हो गया है. इन प्लेट्यू रीजन द लैंड इज टफ एंड ड्राई. प्लेट्यू रीजन में जो होती है ज़मीन जो होती है वो ड्राई होती है और बहुत ज़्यादा सख्त होती है. देयरफॉर वेरी लिटिल फार्मिंग इज पॉसिबल, जिसकी वजह से फार्मिंग जो है वो बहुत कम ही फार्मिंग वहाँ पे पॉसिबल होती है. बिकॉज ऑफ इट्स हाइट फ्रॉम द सी लेवल देयर आर वेरी लिटिल चांसेस ऑफ एरीगेटिंग द कैनाल. ये कहते हैं कि सी लेवल की हाइट जो होती है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे होती है, तो कैनाल्स को एरीगेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. Although agriculture is used as a profession, but our plateaus are vast and rich in minerals. क्या कहते हैं कि वहाँ पे जो है एग्रीकल्चर एज अ प्रोफेशन इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारे प्लेट्यूज जो हैं वो ज़्यादातर वहाँ पे मिनरल्स मौजूद होते हैं, मादनियात वहाँ पे बहुत ज़्यादा मौजूद होती हैं. देयरफॉर द मेन प्रोफेशन इन द एरिया इज शीप रेयरिंग एंड माइनिंग. वहाँ पे जो मेन प्रोफेशन उनका क्या है, भेड़ों को पालना और माइनिंग करना, ठीक है. माइनिंग का मतलब है मिनरल्स को निकालना, मादनियात को निकालना. प्लेट्यूज आर यूजुअली लेस पॉपुलेटेड इन कंपैरिजन टू द प्लेन एरियाज. क्या कहते हैं, प्लेट्यू में जो पॉपुलेशन होती है वो प्लेन एरियाज से बहुत कम होती है. सिंपली द इकोनॉमी ऑफ तिब्बत इज डोमिनेटेड बाय सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, बट ड्यू टू लिमिटेड अराइवल लैंड लाइफ स्टॉक रेजिंग इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन. क्या कहते हैं कि इकोनॉमी ऑफ तिब्बत, तिब्बत की इकोनॉमी जो है उनको गलबा हासिल है. डोमिनेटेड का मतलब है गलबा, उनको गलबा हासिल है. सब्सिस्टेंस का मतलब है कयाम. कहते हैं कि एग्रीकल्चर, तिब्बत की इकोनॉमी के जो लोग हैं उनको एग्रीकल्चर की वजह से इस पर गलबा हासिल है. बट ड्यू टू लिमिट अराइवल, लिमिट का मतलब है काबिले काश, लेकिन लिमिटेड अराइवल लैंड, काबिले काश लैंड के कम होने की वजह से लाइफ स्टॉक रेजिंग यानी जानवरों को बड़ा करना जो है वो उन लोगों का प्राइमरी ऑक्यूपेशन है. अगला टॉपिक है आपके पास, कोस्टल एरियाज आर पॉपुलर फॉर बिजनेस एक्टिविटीज. कोस्टल एरियाज आर पॉपुलर फॉर बिजनेस एक्टिविटीज, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट थ्रू शिपमेंट. कोस्टल एरियाज जो हैं वो बिजनेस के, मैंने आपको कहा था कि ट्रेड के लिए इस्तेमाल होते हैं पोर्ट्स. तो क्या कहते हैं कि कोस्टल एरियाज बिजनेस एक्टिविटीज, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा माने जाते हैं. इट इज़ मेजर सोर्स ऑफ इनकम, ये इनकम पैसे हासिल करने का एक बहुत बड़ा सोर्स है. अलॉन्ग विद डैट, इसके साथ पीपल अर्न देयर लिविंग थ्रू फिशरीज, यानी लोग जो हैं वो मछलियाँ पकड़ के अपनी ज़िंदगी का गुजारा करते हैं. कंट्रीज लाइक नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका हैव कोस्टल एरियाज एंड पीपल लिविंग ओवर देयर आर बिजी विद फिशिंग एंड बिजनेस ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. कहते हैं कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में जो लोग कोस्टल एरियाज के पास रहते हैं या तो वो फिशिंग करते हैं या वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं और अपनी ज़िंदगी चलाते हैं. इसके बाद हम आ जाते हैं डेजर्ट. एज द डेजर्ट आर हार्श एंड बैरन लैंड वेयर रेनफॉल इज वेरी स्पेयर्स एंड अनरिलायबल, पीपल रेली मेनली ऑन देयर लाइफ स्टॉक ऑफ फिश, गोट एंड कैमल्स. कहते हैं डेजर्ट के जो एरियाज होते हैं वो बहुत सख्त होते हैं, बहुत हार्श होते हैं, वहाँ पे बारिशें जो है वो बहुत कम होती हैं. तो वहाँ के ज़्यादातर लोग जो हैं वो भेड़ बकरियाँ और ऊँटों को पाल के अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं. Although to provide food and water to animals, they have to migrate from place to place. कहते हैं उनको जो है अपने जानवरों को खाना और पानी देने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जाना पड़ता है. They are also engaged in various art and crafts, such as textile weaving, leather work, etc. वो लोग जो है इन कामों में भी बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं या इसमें भी मगन होते हैं. देखिए जैसे कि तस्वीर में आपको बता रहे हैं, यहाँ पे वो कुछ चीज़ बुन रही है. तो कहते हैं कि वो कुछ कारपेटें, कलानीलें वगैरह बुनते हैं, या लेदर का काम करते हैं, या कपड़े का काम करते हैं, इस चीज़ में वो अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं. सिमिलरली फीचर्स आर कॉमन इन सहारा डेजर्ट, इजिप्ट,
होती है। इसी तरह के काम जो है वो सहारा डेजर्ट इजिप्ट में भी होते हैं, वेयर पीपल सर्वाइव बाय डोमेस्टिकेटिंग लाइफ स्टॉक एंड माइग्रेटिंग टू प्लेसेस वेयर वाटर एंड वेजिटेबल आर अवेलेबल। तो वहाँ पे भी जो लोग जो है इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, जानवरों को बड़ा करते हैं और उनके खाने पीने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जहाँ पर उनके लिए खाना और उनके लिए सब्ज़ियाँ वगैरह जो है वो अवेलेबल होती हैं। मैं होप करती हूँ आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी। ये लेक्चर आप लोगों का इधर ख़त्म होता है। पेरेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये बच्चों को ये लेक्चर बार बार दिखाएं, इनसे दोबारा प्रैक्टिस करवाएं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।